बालाजी ट्रस्ट के द्वारा बांटा जा रहा है गरीब लोगों को राशन। जिस तरह से देश में प्रदेश भर में कोरोना वायरस को लेकर के महामारी का कहर जारी है, इस आपदा की घड़ी में गरीब मजदूरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनको सबसे बड़ी दिक्कत खाने की हो रही है। गरीब मजदूरों को खाने की दिक्कत देखते हुए बालाजी ट्रस्ट के द्वारा जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मजदूरों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, ताकि किसी भी मजदूर को खाने की दिक्कत ना हो। बालाजी ट्रस्ट का कहना है कि जब तक यह लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक ट्रस्ट के द्वारा गरीब व असहाय लोगों तक राशन पहुंचाया जाएगा। यही उनका उद्देश्य है, जिसके चलते आज बिस्ट गाँव में गरीब मजदूरों को राशन वितरित किया गया, जिसमें गाँव के प्रधान भी उपस्थित रहे। मैडम, जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर के महामारी का कहर जारी है, आज आप लोग गरीबों को राशन भी दे रहे हैं, कितने समय से आप लोग का ये कार्य चल रहा है? ये करीब जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग ये काम कर रहे हैं। मैडम, ये जो आप कर रहे हैं, ये जो है आपको पर्सनली तौर से कर रहे हैं, इससे आर्थिक मदद भी मिल रही है सरकार के द्वारा? हम लोग सब आपस में मिलजुल के कर रहे हैं, हमें किसी के तरफ से आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। जो हमारी टीम है उसके साथ में टीम कितने लोगों को राशन दे रहे हैं? 50 से 60 लोगों को। हाँ जी मैडम, अभी शहर से लेकर गाँव, अब तो गाँव में भी आप वो लगे हुए हैं, तो कौन कौन से गाँव में गए हैं अभी तक? बिशगांव में जी, और शेरपुर में जी, ISBT शहर में भी दे रहे हैं आप? देहरादून शहर में नहीं, अब शहर में नहीं दे रहे हैं, अब गांव में दे रहे हैं, क्योंकि अब गांव में जाए ज़्यादा ज़रूरत है। शहर में तो लोगों को मिलना शुरू हो गया है, काम भी तो में करने लगे हैं, तो मुझे लगता है अब गाँव में ज़्यादा ज़रूरत है, शहरों में इतनी ज़रूरत नहीं है। सब सरकार के द्वारा तो मदद, पूरी मदद मिल रही है जी। राशन कंट्रोल द्वारा राशन सबको मिला हुआ है जी, का राशन भी मिला हुआ है जी। उसके अलावा कुछ मजदूर लोग हैं जिनको हम लोग यहाँ से, जो बाहर की संस्थाएँ कोई के द्वारा हम लोग उनको राशन दिलवा रहे हैं जी। काफ़ी यहाँ लेबर रह रही है जी, उन लेबर को भी हम लोग जो है राशन दे रहे हैं जी। कुछ जो है गरीब परिवार बहुत सारे हैं जी, उनके लिए भी राशन की व्यवस्था की जा रही है जी। आज की जो बालाजी फाउंडेशन द्वारा भी आज लगभग 35 परिवारों को राशन दिया गया, जिसमें गरीब लोग हैं और कुछ मजदूर हैं, जिसमें कि आज उनके द्वारा राशन दिया गया। मैं उनका बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने हमारे कहने से यहाँ पर आए और हमारे लोगों की बात सुनी और उनको राशन दिया, उसके लिए इन सबका धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ।